देखिए उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर पांचवा सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी एक महीने के अंदर हमारे 8 से अधिक वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उस महान नायक को नमन कराए, कैप्टन दीपक कुमार जो 48 आर आर के थे, डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में वो शहीद हुए। मैं दिल की गहराई से अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से, देश की जनता की ओर से उस महान नायक को नमन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस संकट की घड़ी में पूरा देश, पूरा प्रदेश इन परिवारों के साथ में है। और हमारी सरकार लगातार, देखिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूं, अभी विजय दिवस पर हमने जो एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है उसको 10 लाख से बढ़ाकर हमने 50 लाख किया है। 10 लाख हम अपने दूसरे फंड से देते हैं। मैंने कहा ना कि आदमी की जान की कीमत की, लेकिन उससे लगता है कि सरकार उनके साथ में खड़ी है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि शहीदों के परिवार की भावना के अनुरूप सड़कों व स्कूलों के नाम जैसे उनका परिवार रखेंगे। देखिए कि हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद की यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और हमारी चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे धामी सरकार हो, पूरी ईमानदारी से इस काम को करें। देखिए एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक हमारा कैप्टन जो IMA के अंदर ट्रेनिंग पास करने के बाद देश की रक्षा के लिए बड़ो बड़ तैनात था, जहां उसके परिवार को क्षति हुई है, देश को भी एक बड़ी क्षति हुई है। मैं उस महान नायक को नमन करता हूं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।